हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें हम पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस क्या चीज़ें होती हैं और दो चर क्या होते हैं। जैसे एक आपका एक्स हो गया और दूसरा आपका वाई हो गया, तीन चरों वाला आपका क्या हो गया, एक्स वाई जेड। इसमें आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, क्या होता है, उल्टा होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और चर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या है, 2 मात्रक, और ये क्या है आपका, 0 मात्रक है, तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। अब आपको देखिए दिया गया है एक्स अक्ष यहाँ पर दिया गया है और आपको क्या दिए गए हैं, दो चर दिए गए हैं, जिसमें आपको पहला 2 मात्रक और दूसरा 0 मात्रक दिया गया है। अब देखिए, माना पिंड द्वारा किया गया कार्य क्या है आपका, वाई। माना पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या है आपकी, एक्स। तो दूरी क्या मानेंगे आप यहाँ पे, दूरी बराबर एक्स और आपका कार्य क्या हो गया, वाई। अब दिया गया अचर बल क्या है, 5 मात्रक, क्या है, 5 मात्रक। पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए क्या हो गया आपका, वाई अनुक्रमानुपाती एक्स और y इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ के एक अचर बल है परंतु दिया गया k इज इक्वल टू 5 मात्रक है। अब देखिए यहाँ पे आप सीरीज में आपको दिख रहा होगा, यहाँ 10 तक हमने लिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ पर इसको c मान लेंगे और यहाँ से हमने इसको माइनस में ले गए हैं, इधर आपके क्या है, प्लस में लिखे हुए हैं सारे आइटम्स, ये क्या लिया आपने, a। तो यहाँ से आपने जो डाला है ये बल इस पे, ये देखिए यहाँ से 2 पर आ गया, तो ये क्या आ गया, y इज इक्वल टू 5x। अब क्या आ गया, आलेख बनाने के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है, तो x इज इक्वल टू 0 जब हम रखेंगे, रखने पर क्या आएगा, y इज इक्वल टू 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, और क्या होगा आपका, ए 0 0, बी 1 5, सी आपका 2 10, और आपका जो समीकरण के हल हैं। इस प्रकार इसके हमारा आंसर आ गया आराम से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक हो और आलेख से किया गया कार्य आपका क्या है, 10 मात्रक है। और सेकेंडली आपको क्या दिया गया है, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 0 मात्रक हो और आलेख से किया हुआ कार्य क्या हुआ आपका, 0 मात्रक है। तो आप देखिए दोनों हम किस तरीके से करेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन आपको 7 दिया गया है, एक विद्यालय की कक्षा 9th की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। किस किस ने दिया है, यहाँ पर यामिनी ने और फातिमा ने कितने रुपये दिए हैं, 100 रुपये दिए हैं दोनों ने मिलकर अंशदान। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती है, आप उनका अंशदान 0 रुपये और y रुपये मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। माना यामिनी का अंशदान आपका क्या है, एक्स है, और फातिमा का अंशदान क्या है आपका, वाई। अब प्रश्नानुसार आप देखिए यहाँ पर वाई यहाँ पर दिया हुआ है, एक्स आपको यहाँ पर दिया हुआ है, और ये आके आ गया आपका वाई अक्ष, यहाँ पर हो गया आपका एक्स अक्ष। अब देखिए यहाँ पर आपने 100 रुपये तक का अंशदान दोनों ने मिलकर दिया है, तो यहाँ पर हमने क्या समीकरण बनाया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो हमने एक्स किसे माना, एक्स हमने माना यामिनी को, यामिनी ने जो हमारी राहत कोष की राशि दी है, और वाई फातिमा, तो दोनों ने मिलकर कितने रुपए दिए हैं यहाँ पे, क्या हो गया, फातिमा, और दोनों ने मिलकर के दिए हैं 100 रुपये। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 100। अब देखिए यहाँ से एक रेखा को हम यहाँ से ले लेते हैं, ये लाइन आपकी यहाँ से एक्स एक्सिस से लेकर आपकी वाई एक्सिस तक की लाइन पूरी आ जाएगी, इसको हम यहाँ से मिला लेंगे, देखिए इस तरीके से। अब देखिए प्रश्न अनुसार एक्स प्लस वाई क्या है, 100 है, तो हम वाई का मान क्या निकाल सकते हैं, 100 माइनस एक्स। अब आलेख बनाने पर हम क्या रखेंगे, हम पहले एक्स को 0 रख कर देखते हैं, तो वाई का मान क्या आएगा, अगर 0 रखते हैं हम एक्स को, तो 100 माइनस 0 क्या आ गया, 100, और एक्स का मान 10 रखने पर क्या हो गया, 100 माइनस 10 क्या आ गया, 90 आ गया आपका। उसी प्रकार एक्स का 20 रखने पर, तो 100 माइनस 20 क्या आ गया, 80 आ गया आपका आंसर, और ये क्या आ गया, 0 100, बी क्या आ गया, 10 90, सी क्या आ गया, 20 80 के समीकरण के एक हल हैं। तो इस प्रकार ये इनके आंसर
आ गए। अब देखते हैं, अब देखिए दिया गया है आपको, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फारेनहाइट को सेल्सियस के रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। क्या दिया गया है? एफ इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। सेल्सियस को एक्स अक्ष पर और फारेनहाइट को वाई अक्ष पर मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर एक्स अक्ष दिया गया है और यहाँ पर आपको वाई अक्ष दिया गया है। अब देखिए, यदि तापमान 90 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस है और फारेनहाइट में तापमान क्या होगा, ये हमें बताना है। इसमें इस प्रकार से नंबर वन क्या हो गया, सेल्सियस को एक्स अक्ष और फारेनहाइट को वाई अक्ष पर रैखिक समीकरण क्या बन गया आपका, y इज इक्वल टू 9/5x + 32। अब आलेख बनाने के लिए क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 0 रखने पर y इज इक्वल टू 9/5 × 100 + 32 करेंगे तो क्या आएगा आपका, 32 ही आएगा। इसी प्रकार 5 रखने पर 9/5 × 5 + 32 क्या आ गया, 41। इसी प्रकार x इज इक्वल टू 10 रखने पर तो क्या आ गया, 9/5 × 10 + 32 क्या आ गया आपका, 50। अब क्या लेंगे यहाँ पे, अतः ए क्या हो गया आपका 0, 100, बी 5, 41, सी क्या हो गया 10 और 50 के समीकरण के हल हैं। कैसे बना, यहाँ से 0, 100 ले लिया, यहाँ 5 और 14 आपका निकल कर आ गया, 5 रखा था क्योंकि यहाँ पे, और ये क्या आ गया आपका 10 और 50, तो 10 और 15 यहाँ पे आपका निकल कर आ गया। अब यहाँ से इसको करेंगे तो कितना आएगा आपका, 100 समथिंग आएगा यहाँ पर इसका आंसर, ठीक है, 32 नहीं आएगा। अब आगे देखते हैं, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फारेनहाइट 9/5 × 30 + 32 तो क्या हो गया आपका, 54 + 32 कितना हो गया आपका, 54 + 32 कितना आ गया यहाँ पे, 86। यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फारेनहाइट में तापमान कितना होगा, 86 डिग्री फारेनहाइट में होगा। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। तो हमने यहाँ पूरा यहाँ पर मान लिया, देखिए यहाँ पर x दिया गया है या y दिया गया है या फारेनहाइट दिया गया है, तो क्या हो गया 5, 10, 15, 20 और ये कहाँ तक दिए गए हैं, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 इसी प्रकार दिए गए हैं और इस लाइन को हमने यहाँ से यहाँ तक मिला दिया। इतना समझ में आया आपको, और ये क्या हो गया 86 डिग्री फारेनहाइट, इसका आंसर आपका आ गया। हम नेक्स्ट देखते हैं, देखिए दिया गया है थर्ड, यदि तापमान 95 डिग्री फारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। अब देखिए, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। इन्हें आपको क्या करना है, एक्सचेंज करना है, फारेनहाइट को तापमान में आपको किस में, सेल्सियस में बदलना है, और सेल्सियस को फारेनहाइट में किस प्रकार बदलेंगे, आइए इस क्वेश्चन में हम देखते हैं। देखिए, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो वो हमें ज्ञात करना है, तो अब देखिए, यदि तापमान 95 डिग्री फारेनहाइट है तो हमें क्या करना है, 95 = 9/5 सेल्सियस + 32। हम क्या लेंगे, 95 - 32 = 9/5 सेल्सियस। अब क्या हो गया, 63 × 5/9 सेल्सियस और सेल्सियस क्या आ गया आपका, 35 डिग्री। यदि तापमान 95 डिग्री फारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा इसका, 35 डिग्री सेल्सियस। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फारेनहाइट में इसका क्या होगा आपका, 9/5 हम इसमें लिख लेते हैं, इंटू 0 + 32 = 0 + 32 = 32। यदि तापमान 0 डिग्री फारेनहाइट है तो 0 = 9/5 सेल्सियस + 32। −32 = 9/5 सेल्सियस क्या हो गया आपका, −32 × 5/9 = सेल्सियस क्या हो गया आपका, 160/9 °C। तो ये क्या आ गया आपका सेल्सियस में, −1 डिग्री, ठीक है, माइनस के 17.8 डिग्री। अब यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फारेनहाइट में तापमान कितना होगा आपका, 32 डिग्री
फ़ारेनहाइट होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान आपका कितना होगा, 17.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपका ये तो सेल्सियस में आ गया और ये आपका क्या आ गया, फ़ारेनहाइट में आ गया। तो हमारा इस प्रकार हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जितने भी मान है उन्हें आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया है आपको, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, जिनकी संख्या दोनों में बराबर आती है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है कैसे, माना वह तापमान x डिग्री है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की संख्यात्मक समान है, इसलिए x इज इक्वल टू 5/9/5x प्लस 32, क्या हो गया, x माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5x, और क्या आ गया, x माइनस 32 इंटू 5 इज इक्वल टू 9x, और ये क्या आ गया आपका 5x माइनस 160 इज इक्वल टू 9x। तो क्या आ गया आपका 4x इज इक्वल टू माइनस 160, क्या आ गया आपका x माइनस 40 डिग्री। तो क्या हो गया, यहाँ अतः तापमान माइनस 40 डिग्री है, तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है। तो इसका मतलब क्या है, ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेल्सियस दोनों में समान होता है। आप दोनों का मान निकालेंगे तो दोनों का मान क्या आएगा आपका, बराबर आएगा आपका। माइनस 40 से आप सेल्सियस, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस निकालेंगे तो भी आपका फॉर माइनस 40 डिग्री आएगा, और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट निकालेंगे तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा। तो हम किस प्रकार इस क्वेश्चन को किया है देखते हैं, एक बार और समझ लेते हैं। तो हमने क्या किया, हम कोई भी मान निकालने के लिए क्या लेते हैं, सबसे पहले 9/5x + 32, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है जिससे हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों को निकाल सकते हैं। अब हमने क्या किया है इसमें, इसमें x माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5x हमने ले लिया, इस वाले x को हम यहाँ ले गए और इसे हम माइनस में ले गए यहाँ से प्लस वाले को। तो हमने क्या किया, देखिए x माइनस 32 इंटू 5 तो क्या हो गया 9x, और ये क्या हो गया आपका 5x माइनस 160 इज इक्वल टू 9x। तो इस प्रकार हमने इसके आंसर को निकाल लिया, और ये हमारा क्या आ गया यहाँ से x माइनस 40 डिग्री। इस प्रकार हमारा ये आंसर आ गया। इन क्वेश्चंस में भी, पीछे वाले में भी हमने इसी प्रकार किया हुआ है, देखिए हमने इसके मान को भी इसी प्रकार निकाला है, इसी मान को हमें रखना है 9/5, तो 9/5 सेल्सियस करके आप निकालेंगे और 32 आपको लेना है। तो हम किसी भी मान का सेल्सियस और तापमान उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं और उसको हम देख सकते हैं, अब फ़ारेनहाइट में क्या तापमान होगा और आपका सेल्सियस में क्या तापमान होगा, दोनों के लिए संख्यात्मक मान हम निकाल सकते हैं। और ऐसा कौन सा मान है जिसमें, तो 40 डिग्री सेल्सियस और माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों के मान क्या होंगे आपके, समान होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है इसमें, और क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट दोनों के लिए संख्यात्मक मान है, यदि हाँ तो ये क्वेश्चन हमारा क्या बन जाता है, माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस या माइनस का 40 डिग्री फ़ारेनहाइट में, ये आपका आंसर बन जाता है। अब देखते हैं आगे, तो हमने क्या सीखा कि हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, ठीक है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में किस प्रकार दोनों के मानों को निकाल सकते हैं, और हम 9/5 वाला रूल लगाकर इसमें इसको यूज़ कर सकते हैं, और इससे हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का आंसर निकाल सकते हैं। इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए थैंक यू।